संसार सागर में अगर जन्म मिला है, जितना समय मिले, हम तो आपसे ये नहीं कहते कि 24 घंटा वजन करो। या तो संतों ने कहा कि 24 घंटा वजन नहीं कर सको तो 12 घंटा तो करो रे, और 12 घंटा वजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो, पर भजन जरूर जम के तो बोलो करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते, कम से कम 3 घंटा करो, बोलो रे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे, और 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन कीर्तन स्मरण शिव महापुराण की कथा कम से कम सुनो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो करो रे, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर 24 घंटे में से हमने 1 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाला, 24 घंटे में से अगर 1 मिनट हम भगवान को नहीं दे पाए, तो ये मनुष्य का शरीर किस काम का। तो किसी ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पर समझ में नहीं आए ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरे कैसे। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा। तो फिर अगर ध्यान लगाकर पढ़ा जाए, ध्यान लगाकर स्मरण करा जाए, तो ये इतना बड़ा मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करता मरता है, मरने के बाद एक कीड़े का जन्म पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है। इसलिए अंत समय पुचित्र है, अंत समय बुरा है। फिर उस अंत समय का कोई मतलब। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किस समय।